कविता है मेरी विदाई आ, हमारे मतलब गांव में क्या होता है कि ढोल बजता है जब बेटी की शादी हो जाती है और विदाई देते हैं उस समय उसका ढोल बजता है तो कहते हैं कि तब से पिता का वहाँ से उसका रिश्ता मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लगभग लगभग और दूसरा ढोल पति के वहाँ से बजता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो, तो एक ये मैंने लिखी है इस पर एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया था विदाई शादी की सभी रस्मों के पश्चात अंतिम रस्म शुरू हुई और वह थी मेरी विदाई बाबा के घर से होनी थी मेरी विदाई कुछ ही देर में बजेगा ढोल होगी दहलीज पूजन की रस्म मैं पूजूंगी बाबा के घर की दहलीज महिलाएं गाएगी मंगल गीत डोली के हाथ पकड़ेंगे रफ्तार मेरी रुलाई के साथ ढोली के हाथ पकड़ेंगे रफ्तार मेरी रुलाई के साथ और बजेगा ढोल मेरी विदाई का फिर इस घर से नहीं रहेगा मेरा वह रिश्ता जो ढोल बजने से पहले रहा होगा इस घर से जो ढोल बजने से पहले रहा होगा इस घर से फिर पति का घर ही मेरा घर कहा जाएगा कांपने लगे मेरे हाथ कलेजा बिखरने लगा औरतें फुसफुसा रही छोरी को सासरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है आँख में एक आंसू तक नहीं बुआ ने कान में कहा रो छोरी रो ऊपरी मन से ही सही पर रोने का अभिनय कर औरतें कह रही है छोरी को सासरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है क्या रो लेने से नहीं छूटेगा मेरे बाबा का घर नहीं होगी मेरी विदाई क्या नहीं होगी दूर मुझसे मेरी बिलकती बहनें रोती हुई माँ और सुबहते बाबा नहीं करोगे मुझे दूर क्या चली जाएगी बारात बिना दुल्हन लिए मेरे दहाड़े मार कर रोने से बदल जाएगी रस्में नहीं ना तो बनी रहने दो यह गलत फहमी तो बनी रहने दो यह गलत फहमी कि मुझे सासरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है समय की सीमा को देखते हुए मैं एक छोटी सी राजस्थानी सुनाऊंगी समय बावड़ों यानी नासमझ समझ सॉरी समझ समय समय बावड़ो ओ समय बावड़ो यूं सरक जावे जाने दोरासू सरर सरर सरके रेत ये समय है जो इस तरीके से सरक जाता है चला जाता है जैसे दौरों से रेत फिसल रही है यूं सरक जावे जाने दोरासू सरर सरर सरके रेत ओ समय बावड़ो यूं पलटे जाने वायरा सागे निकल जा रेत छिण माए इण दिशा सू उण दिशा बिन बोलिया चड़ी चप समय ने कोनी बांध सक्यो कोई अजय क्यों कर समय फिसले जाने वे मुट्ठी में रेत अर निकल जा आगे बिन बोलिया चढ़ी चप शुक्रिया